नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी और डिवाइन वॉइस पर। आज हम अपनी तुला राशि और शुक्र की जो ऊपर डिस्कशन चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कि सेवंथ हाउस की जो एनर्जी है तुला राशि वालों के लिए वो किस प्रकार से है, ब्लैंक चार्ट में कैसे वो प्ले करती है। दूसरा, अभी ये जो क्लासेस हैं, जो फ्री भृगुनंदिनी नाड़ी कोर्स हमारा चल रहा है, ये क्लासेस जो हैं वो 6:30 बजे शाम को कंडक्ट की जाती हैं। जो लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम अपना जूम लिंक पोस्ट करते हैं। और उस व्हाट्सएप चैनल का जो ग्रुप है, सॉरी, व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, अब आप देखिए कि सबसे पहले तो जो सेवंथ हाउस है लिब्रा के लिए, ठीक है, वो एरीज है, मेष राशि है, जिसका लॉर्ड जो है मंगल मंगल है, और सूर्य वहां उच्च का हो जाता है, शनि वहां नीच के हो जाते हैं। पूरे जॉडियक असेंडेंट्स में से, लगन में से, जो मेष लगन है और लिब्रा लगन है, यही ऐसे दो लगन हैं जिनका सेवंथ हाउस, जो सप्तम भाव है, वो न्यूट्रल है, जो एक दूसरे से न्यूट्रल है, ना फ्रेंड्स हैं ना एनिमीज हैं। अगर आप बाकी किसी को भी उठा के देख लो, सबके शत्रु हैं, है ना। ये भी एक बड़ा बिल्कुल इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बाकी सभी जितने लगन हैं सब में उनके सप्तम भाव में उनका शत्रु आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम देखें कि जो यहाँ 180 का चेंज हो गया पूरा, जो तुला राशि है वो लगन के स्थान पर चली गई है, जो लगन में इज मेष राशि है वो सप्तम स्थान पर आ गई। तो आप देखेंगे कि जो लिब्रा वाले मेल्स होते हैं तो उनमें आपको फेमाइन क्वालिटीज देखने को मिलेंगी, और जो मेष उनकी जो मतलब स्पाउस होते हैं उनकी, या वाइफ है या हस्बैंड है, वो ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, स्पेशली घर के मामलों में। घर के जो सारे डिसीजंस हैं ना वो उनके स्पाउस वहां डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेष राशि सप्तम भाव में आती है, और जब मेष राशि सप्तम भाव में आती है, सॉरी, तो वहां पर अब जब सप्तम भाव में मेष राशि आती है तो वो उच्च का जो मंगल है वो जाके चतुर्थ भाव में होता है, ठीक है। घर के मामलों में वो इंटरफेयर बहुत ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। सप्तम का लॉर्ड होकर, सप्तम का स्वामी होके चतुर्थ भाव में जाकर वो उच्च का होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि जो सप्तम भाव है वो मैरिज पार्टनर्स का है, हमारे वैवाहिक जो पार्टनर रहते हैं, हमारे स्पाउस है उसका है, ऑपोजिट सेक्स का है, ऑपोजिट जेंडर का है, और किसी भी व्यक्ति के लिए उसके जो सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं उनका होता है, ठीक है। जो सेवंथ हाउस है वो सेक्सुअल प्लेजर्स को भी सिग्निफाई करता है, और इस बात का भी सिग्निफिकेटर है कि ऑपोजिट जेंडर से किसी भी जातक को जो कितनी खुशी मिलेगी, किसी साझेदारी में, किसी पार्टनरशिप में आप कितने कंफर्टेबल होगे, आपका सेवंथ हाउस बताता है। और किसी भी जातक या जातिका का जो सप्तम भाव है जन्म पत्रिका, वो ये बताएगा, अवेलेबिलिटी बताएगा, उपलब्धता बताएगा ऑपोजिट जेंडर, उनकी लाइफ में कितने ऑपोजिट जेंडर आएंगे, अगर ऑपोजिट जेंडर आएंगे तो उनको कितना सेक्सुअल प्लेजर उनसे मिलेगा,
और कितना अवेलेबिलिटी रहेगी, ठीक है, वो इस बात को इंडिकेट करता है आपका सप्तम भाव लिब्रा के लिए। लिब्रा के लिए नहीं, किसी के लिए भी आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सप्तम भाव अगर अच्छा है, बैलेंस्ड है, सेवंथ हाउस का बैलेंस्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और शुक्र का लाइफ में बैलेंस्ड होना, संतुलित होना बहुत ज्यादा जरूरी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ग्रस्त हैं, ठीक है। अगर शुक्र में इम्बैलेंस हो जाता है, शुक्र इम्बैलेंस हो जाता है, तो रिलेशंस में बहुत ज्यादा डिजास्टर्स भी हो सकते हैं। अगर किसी की लाइफ में, क्योंकि सभी ग्रस्त हैं, है ना, अगर इम्बैलेंस हो गया, बहुत ज्यादा ज्यादा बढ़ जाता है ना, उसकी आसक्ति जो है वो ऑपोजिट पार्टनर्स में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, या कोई ऑपोजिट पार्टनर्स को के मतलब उसके मल्टीपल पार्टनर्स हो, ऐसी आसक्ति जो है आ जाती है इंसान के अंदर, तब ऐसी अवस्था में किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा उथल पुथल रहती है रिलेशंस को लेकर। वहीं अगर किसी की लाइफ के अंदर उसके जो पार्टनर हैं, उसका जो पार्टनर है, उसका जो स्पाउस है, उसमें अगर बेडरूम प्लेजर्स को लेके बहुत कम अगर हो जाती है आसक्ति, उसकी रुचि बहुत कम हो जाती है, तो अगेन ये भी एक प्रॉब्लम का कारण है आज की दुनिया में। तो भी जो लाइफ है उनकी, वो डिस्प्यूट हो जाती हाँ जी, है, उनकी लाइफ में डिस्प्यूट आ जाता है फिर। तो भी वो डिस्प्यूट मतलब आ जाता है सेवंथ हाउस में। जैसे जैसे आप देखिए, जिनका शुक्र और राहु एक साथ होता है, तो ऐसे लोगों के ये इसको हम बोलते हैं ना कि राहु जो है मैग्नीफाई कर देता है, ठीक है ना। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि पद्मनाभन जी, एक और आपने कहीं और से भी ज्वाइन की, अच्छा, तो आप देखिए कि ये भी एक इंडिकेशन है कि बहुत ज्यादा मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है। और आपको ये भी एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे कि अगर किसी का सेवंथ हाउस में केतु है या शुक्र का केतु पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो उनकी मैरिज जो है वो ब्रेक होती है, या मतलब प्रॉब्लम उसमें आती है, क्योंकि वन ऑफ द पार्टनर जो है दूसरे में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, विरक्त ठीक है। भाव हाँ जी, जाता, विरक्त की भावना आने लगती है केतु रहता है विरक्ति तो। की भावना आने लगती है, विरक्ति की जो भावना है उसका कारण कुछ भी हो सकता है, वो उसको पसंद नहीं कर रहा, ठीक है। अभी सैटर्न अगर आ जाता है, ठीक है, तो वहां पे अगर सूर्य और चंद्र की पोजीशन ठीक नहीं है ना, अगर शनि सप्तम भाव के अंदर है, तो ऐसे समय में अगर चंद्रमा शनि को देख रहा हो, ठीक है, और सूर्य जो है फोर्थ हाउस के अंदर हो, अब सूर्य यहाँ पे क्यों फोर्थ हाउस में है, मतलब हम इस तो ना, वो एक नपुंसकता का योग बनाता है, क्योंकि सूर्य शनि के घर में है, फोर्थ एंड सेवंथ का जो है, हमने ये चीज पहले भी कई बार पढ़ी है कि फोर्थ एंड सेवंथ का जो है एक्सचेंज इज नॉट गुड फॉर मैरिज, ठीक है। लेकिन जब शनि सेवंथ हाउस में हो और उसको अगर चंद्रमा देख रहा है, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंसी का योग है। एक बार मोनिका जी ने एक दो लेक्चर्स पहले की बात है, आपने बोला था ना कि जिसका शनि और शुक्र साथ में हो तो उसके सेक्सुअल डिजायर्स जो हैं वो अनफुलफिल्ड रह जाते हैं, है ना। लेकिन वहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि शनि के ऊपर उसके
मतलब ऑपोजिट जो प्लेनेट हैं, जो उसके दुश्मन ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए, ठीक है, केतु का प्रभाव आ रहा है या चंद्रमा का प्रभाव आ रहा है, ठीक है, तो वो ना नपुंसकता वाला योग बना देते। वहीं अगर राहु का प्रभाव आ गया, 7th हाउस में राहु आ गया, शुक्र के साथ राहु आ गया है, मंगल आ गया है, तो ये इंसान की जो आसक्ति है उसको बढ़ा देते हैं, जिससे कि उसके बहुत ज्यादा मतलब अफेयर्स आउट ऑफ मैरिज जो है अफेयर्स हो जाते हैं। राहु आउट आउट ऑफ बॉक्स भी है ना, राहु आउट ऑफ बॉक्स भी है, राहु आउट ऑफ जो जो सामाजिक मान्यताओं को तोड़ता है, ठीक है ना, स्पेशली अगर ये कॉम्बिनेशन है तो, जैसे मार्स राहु का है किसी फीमेल के हॉरोस्कोप में या किसी मेल के हॉरोस्कोप में शुक्र और राहु का है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है दैट इज नॉट गुड। यहां पर मतलब जो जातक या जाति का है, ऐसे केसेस में जो मतलब कमर्शियल, अब मैं इसको मतलब अपने सेक्सुअल समझ प्लेजर्स के लिए पे करना भी से भी वो हिचकिचाते नहीं है, ठीक है, तो इस तरह के जो है मतलब रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं कि अगर आपका 7th हाउस, 7th हाउस का लॉर्ड जो है शुक्र स्पेशली लाइफ में इम्बैलेंस्ड है, ठीक है, उसके लिए वो चीट करते हैं, कई मतलब मैरिज में है स्टिल दे आर चीटिंग देयर पार्टनर, ठीक है, फिर दूसरी बात है जी, रेड लाइन एरिया में घूमते रहते हैं। हाँ चलिए, फिर दूसरी बात जो है कि यहां पर जो सूर्य है वो उच्च का हो जाता है, ठीक है, सूर्य जो है लॉयन को सिग्निफाई, 1 सेकंड आप होल्ड करेंगे प्लीज, जो सूर्य है वो यहां पर आकर उच्च का हो जाता है, ठीक है, जो कि क्रिएशन को सिग्निफाई भी करता है, क्योंकि लियो साइन जो है वो ग्यारहवें उसे स्थान में चला जाता है, ठीक है, और दूसरी बात ये है कि सूर्य लायन, उस लायन को भी सिग्निफाई करता है, लायन जो है वो हमेशा जो संबंध बनाता है वो सिर्फ प्रजनन मतलब अपने डीएनए को आगे बढ़ाने के लिए बनाता है, ठीक है, तो ये इस बात को भी इंडिकेट करता है कि जो लिब्रा साइन वाले हैं उनके जो पार्टनर हैं उनका उनकी जो लालसा है टुवर्ड्स पूरी बेडरूम एक्टिविटीज वो कम रहे इन कंपैरिजन टू लिब्रा वालों, ठीक है, फिर आप ये देखिए कि जो 5th का लॉर्ड है शनि जो है वो 7th हाउस में आकर जो है वो नीच के हो जाते हैं, तो सबसे बड़ी तो ये इंडिकेशन है कि लिब्रा वालों की चाहत होती है कि लव मैरिज करें, कि अरेंज मैरिज से अच्छा है लव मैरिज, लेकिन उसका लॉर्ड जो है वो 7th हाउस में आके नीच का हो गया, तो यहां ये इस बात को इंडिकेट करता है कि लव अफेयर्स में इनको काफी विफलता देखने को मिलती है। आप म्यूट है मैडम, मतलब हाँ मैं वो कहती सक्सेस नहीं मिलेगा लेकिन हाँ नहीं होता। सक्सेस नहीं मतलब होता, विफलता जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है, काफी बार जो है
विफलता देखने को मिलती है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, थंबनेल रूल नहीं है, प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब क्योंकि जो स्पाउस होता है वो डोमिनेटिंग होता है, ठीक है, एम्बिशियस होता है, कंट्रोलिंग नेचर का होता है, जो तुला राशि वाले हैं उनका जो स्पाउस होता है। अब शनि वहां पे जाके उच्च के हो जाते हैं, नहीं सॉरी नीच के हो जाते हैं, तो शनि प्रोफेशन के इंडिकेटर हैं, काम के इंडिकेट हैं, और हमारे कर्मास को भी दिखाते हैं। तो उनकी जिंदगी में प्रोफेशन को लेकर काफी अप एंड डाउन्स रहते हैं, या लिब्रा वालों को प्रोफेशन में सफर करना पड़ता है ड्यू टू देयर स्पाउस या पार्टनरशिप्स, अगर शनि की पोजीशन अच्छी नहीं, ठीक है। दूसरा, जो 11th का लॉर्ड है सूर्य है, वो यहां पर आकर और उच्च का होता है, एग्जॉल्टेशन है। तो इनको अपनी मैरिज के बाद काफी सफलता या गेन्स मिलते हुए भी देखे गए हैं, और ये भी हो सकता है कि कई बार इनका जो पार्टनर है वो इनसे भी ज्यादा रिप्यूटेड फैमिली से, किसी रॉयल फैमिली से, इनसे भी बड़ी फैमिली से जो है बिलोंग बिलोंग करता करता है। आप फिर म्यूट हैं। सर, आदत है हायर स्टेटस फैमिली, हायर हायर स्टेटस स्टेटस फैमिली ना, इनसे रिच होना, इनसे हायर स्टेटस होना, उनकी फैमिली का इनकी फैमिली से ज्यादा बड़ा रुतबा होना, जी सर। ठीक है, इस बात को भी ये इंडिकेट करता है। कई बार ये भी होता है कि इनका फाइनेंशियल स्टेटस कम है, बट दे गॉट मैरिड इन अ हायर स्टेटस फैमिली, वहां से उन्हें बहुत अच्छे खासे लाभ हो गए, ठीक बात जो है। वैसे भी रहे ये बैलेंस है ना, तो फाइनेंसेस को भी इंडिकेट करता है ना शुक्र, हो तो ये मैरिज भी बहुत देख दुख के भी करते हैं, है ना। क्यों, आप देखो ना, एरिस साइन चला गया 7th हाउस के अंदर, जब एरिस साइन वहां पे 7th हाउस में चला गया, एरिस एरिस जो है एम्बिशियस है, स्पॉन्टेनियस है, एम्बिशियस है, बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, मतलब ये सोचते हैं कि एक और एक 11 वाली जगह पे शादी की जाए, ठीक है। हमारी उस दिन बात भी हो रही थी ना लास्ट लेक्चर में, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, कि ये प्रैक्टिकल होके मैरिज करते हैं, तो एरीज को वहां पे लेके गए हैं, वहां पे ज्यादा एम्बिशियस हैं, और 11th का लॉर्ड वहां पे आके उच्च का हो रहा है, तो ये नहीं कि मैरिज के बाद लाभ होगा, ये शादी वहीं पे करेंगे जहां लाभ होगा, पहले देखेंगे कि यहाँ लाभ हो रहा है। तो सर अगर सैटर्न अच्छा हो फिर तो शादी में फायदा ही फायदा है ना, सैटर्न तो लगन में जाके उच्च का होगा, नहीं, सूर्य जैसे अगर अच्छी आपने कहा पोजीशन ना पे हो, कि प्रोफेशन में सफर कर सकते हैं अनलेस सैटर्न इज वेल प्लेस्ड। वेल प्लेस्ड, सूर्य भी अगर ठीक प्लेस्ड हो, तो अगर सूर्य उच्च गया, पता लगा कि वाइफ ही बहुत ज्यादा रिच फैमिली से आ गई, पहले वो बॉल बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन मैरिज हुई उसके बाद जैकपॉट लग गया, है ना, इकलौती इकलौती संतान है, सूर्य अल्पसंतति को भी दिखाता है ना, है ना, इकलौती संतान है, कई मतलब कईयों का एम ही ऐसा होता है कि इकलौती लड़की हो, है ना, मतलब वो दूर की सोच के चलते हैं, सिरदर्दी बढ़ भी सकती है इकलौती है। वो तो संतान। भाई देखो, जब आप मतलब बड़े उसमें जाते हैं, तो फिर देन यू हैव टू बी रेडी फॉर क्या बोलते हैं कि बिगर नखरे उठ, गैम्बल्स, हैं जी, बिगर बिगर गैम्बल्स, तो जो आपको मतलब बड़े नखरे तो फिर उठाने ही पड़ेंगे ना, जब आप इतना कुछ फायदा ले रहे हो किसी से, तो फिर सुनने मतलब उन चीजों के लिए भी वो डोमिनेट तो करेगा ही देन, ठीक है। 11th का लॉर्ड है ना, और ये भी है कि उनका स्पाउस भी मनी माइंडेड हो सकता है, ठीक है,
और डोमिनेट कर रहा है, होम अफेयर्स में डोमिनेट कर रहा है। घर खरीदना है उसकी पसंद का नहीं है, उसकी जो उसका स्पाउस है वो चूज करेगा कि घर कैसा होना चाहिए। ठीक है, प्रोफेशन, आप प्रोफेशन में उसको प्रोफेशन रिलेटेड भी एडवाइस देती रहेगी या देता रहेगा, पैसों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, पैस, एपीडियंस हाँ में जी इंटरफेयर करेगा, एपीडियंस में भी इंटरफेरेंस करेगा। हाँ जी, शालिनी जी बोलिए। सर एक कपल ना, दोनों ही लिब्रा असेंडेंट है, हाँ तो उनमें एक तो ज्यादा सक्सेस है और एक सक्सेस नहीं है, और भी तो फिर ग्रहों सर का ये दोनों ही मतलब लिब्रा असेंडेंट, है जी, सर दोनों लिब्रा असेंडेंट हैं, तो किसकी चलेगी फिर जिसका सूर्य सेवन? ज्यादा मजबूत होगा, सूर्य सर जिसका सेवेंथ हाउस में एग्जॉल्टेड है, एक के, है जी, एक कपल के सूर्य सेवेंथ हाउस में एग्जॉल्टेड है। तो जिसका एग्जॉल्टेड होगा वो सक्सेस होगा ज्यादा। लेकिन प्रोफेशन में दोनों में ही प्रॉब्लम चल रही है। पैटर्न देखिए ना, डोमिनेट तो वो करता होगा पक्का जिसका सूर्य उच्च का है, लेकिन वो डोमिनेट तो करता होगा लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा त्याग भी कर रहा होगा उस रिलेशन में। सही है। अब ये एक बहुत बारीक सी लाइन है, डोमिनेट करना और जो मतलब त्याग करना, ठीक है ना, जरूरी, त्याग करना और डोमिनेट करना अलग अलग चीजें हैं। उसकी कुछ कमियां हैं तो उसको वो सपोर्ट भी कर रहा होगा। प्रोफेशन में सैटर्न देखिए, अभी सैटर्न चल रहा है फिफ्थ हाउस में चल रहा है, जी सर, दोनों की प्रॉब्लम आ रही है। तो एक का तो सही है, एक जॉब कर रहा है, एक का बिजनेस, वो का बिजनेस चीटिंग के कारण नहीं, दो कपल अलग चल अलग रहा है कपल्स की बात कर रहे हो या एक हस्बैंड वाइफ की सर, बात एक ही कर कपल, हस्बैंड वाइफ की बात। रहे? दोनों लिब्रा हैं, जी, सर्विस ठीक है, कौन कर रहा तो सफर कौन कर रहा है प्रोफेशन में? सर? मेल, उसका सैटर्न जो है वो वक्री हो गया है 10th हाउस में। उसका कुछ ट्रैवल को रिलेटेड काम है, ट्रैवल से, ट्रैवलिंग से रिलेटेड तो ज्यादातर वही करते, लेकिन अभी सेटल नहीं हुआ, प्रॉब्लम क्या करते हैं ज्यादातर? ही चल, मतलब कमीशन का काम है जैसे। ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ काम है, सर नहीं, काम सेल्स को से लेके काफी रिलेटेड है। ट्रैवल करना पड़ता है, हाँ ये है काम, क्योंकि चंद्रमा ट्रैप, मतलब इंश्योरेंस, काम बदल भी रहे हैं वो, काफी काम चेंज भी किया बहुत उन्होंने, काम तो काफी चेंजेस, कोई सेटलमेंट नहीं। शनि दो तीन तीन काम तो चेंज किए होंगे कम से कम, हाँ, सारे ज्यादा भी हो सेल्स सकता है। के ही हैं, क्योंकि उनके तीन प्लैनेट वक्री हैं, मंगल भी वक्री है, सूर्य भी वक्री है, और एक वीनस। भाई सूर्य वैसे सूर्य वक्री हो गया? वक्री सर नहीं, सूर्य सूर्य तो वक्री होता नहीं। सैटर्न, सैटर्न, मंगल, और वीनस, कहाँ पे है मंगल? मंगल। सर मैं अभी देख के बता रही चार्ट। मैडम ये मेल मेल की कुंडली बता रहे हो ना आप? मेल की, जी मेल सर, पर्सन, पूरी मेल की। कुंडली में रख लो मैम, उनको अपने काम में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता होगा और वो सेटल नहीं हो पाते, कभी भी वो सेटल नहीं होंगे, जल्दी जल्दी काम जी, कोई बदलना। जरूरी नहीं है कि जल्दी मतलब कभी भी नहीं होंगे, शुक्र और उसका पोजीशन बताइए। वैसे सर सैटर्न अगर 10th हाउस में हो तो वो अपना काम प्रेफर करता है ऐसा आदमी। हाँ, सैटर्न जो है 11th हाउस में है, और मंगल जो है उनका नीच का है, वक्री है, 10th हाउस में है। आगे और वीनस अस्त है, और मून इनका नीच का है वीनस कहाँ है? सेवंथ हाउस में ही है, सर, ये फोर्थ कुंडली हाउस में से बता जुपिटर रहे वक्री हैं है हैं? मैडम सर। क्या कर रहे हो आप? सर वीनस जो है फोर्थ हाउस में है, हाँ वो वक्री है, अस्त कंबस्ट है, जुपिटर वक्री है। सूर्य उच्च का कैसे हुआ फिर? सर सूर्य फीमेल के चार्ट में उच्च का है। अच्छा, तो शुक्र जो है फोर्थ हाउस के अंदर है, हाँ, वक्री सूर्य है, मर्करी के साथ। और यहां पर शनि मंगल, मंगल भी वक्री है, शनि भी वक्री है, और जुपिटर भी वक्री है सर, जुपिटर कहाँ पे है? 9th हाउस में। 9th हाउस में, एक दो तीन,
और 9th हाउस में है, थर्ड थर्ड एंड सिक्स्थ। सेल्स में इनको सफलता ही नहीं मिल रही, तो नहीं मिल रहे। हाँ सेल्स का काम करते हैं। इनका कम्युनिकेशन स्किल ही अच्छा नहीं है। थोड़ा सा मतलब इनकी जैसे ये बात करते हैं बातों में कॉन्फिडेंस नहीं रहता। मंगल कमजोर इनको इनको 10th हाउस में मार्स आ रहा है, 7th शुक्र जो चला गया उधर, मंगल आ रहा है 10th हाउस में, है ना। तो सैटर्न का इनका चंद्रमा कहाँ बताया आपने? सर चंद्रमा सेकंड हाउस में है, चंद्रमा सेकंड हाउस में है, नीच का नीच है, का लो। शनि। इनको ना मतलब इनको इंश्योरेंस सेक्टर में ट्राई करना चाहिए। अच्छा जो आपने कहा जैसे हमें बताया था कि एट और थाउजेंड दूसरी बात है कि इनको मतलब अपना पैसा नहीं लगाना चाहिए, मतलब दूसरे के पैसे से खेलना चाहिए सर इनको। आप एक इंश्योर बता दो बात कि आपने ये कैसे बोला कि इनका कम्युनिकेशन खराब है, क्योंकि 3, 4, 5 में बकरी हो रखे गया थे। ना, वो थर्ड और नाइन्थ में चला गया, वहां जाके बकरी हो गया, वो वहां 9th का लॉर्ड भी है, 6th का लॉर्ड भी है, तो हाँ वही इनको मेन इनकी है। ठीक प्रॉब्लम खराबी मतलब कम्युनिकेशन में है। ठीक है समझ गई, वही 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 पूछ रहे हो, वही है है, ये। फिर बृहस्पति को कोई सपोर्ट नहीं मिला, मंगल पीछे आ रहा है, मंगल को बृहस्पति का सपोर्ट मिल रहा है, मंगल इतना खराब नहीं है, लेकिन शनि जब वक्री हो रहा है तो शनि को मंगल मिल रहा है। लेकिन ठीक बृहस्पति को कुछ नहीं मिल रहा जो कि थर्ड और है, सिक्स में आ फिर रहा बृहस्पति वो है, चंद्रमा है। इनका नीच का हो रहा है, तो प्रोफेशन में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, और सेकंड का लॉर्ड भी सेकंड सॉरी सेकंड हाउस में जाके चंद्रमा भी नीच का हो रहा है, वाणी का स्थान है सर ना। एक्सचेंज भी तो हो रहा है एट्थ का सेकंड हाउस हाउस के अंदर में। एट हैं जी, सर आपस में एक्सचेंज भी तो हो रहा है चंद्र और मंगल का। चंद्र मंगल का एक्सचेंज हो रहा है, तो इनके तो फिर दांतों में भी दिक्कत होगी। सर पर एक और बात है ना, दांतों में दोनों हैं मैं जी, कह रही हूँ तीन एक से सेकेंड एक ज्यादा। सेकेंड, जी जी दांतों में दिक्कत होगी। सर ये नहीं पता दांतों में दिक्कत क्यों है। इनका जो फेस है, इनके दांत थोड़े ऊंचे होना, या मतलब जो ये जो माउथ है उसमें कोई ना कोई इशू होगा। देख, सर वो तो नहीं पता, थोड़े से पहले ये ड्रिंक करते थे। हाँ तो चंद्र मंगल है ना, जी ड्रिंकिंग थोड़ा सा एंड नहीं, ये स्मोकिंग, ड्रिंकिंग थोड़ा सा नहीं करते थे, बहुत ज्यादा करते थे। एंड स्मोकिंग बोथ। ठीक है ना, तो ड्रिंक और स्मोक बहुत करते थे, ज्यादा जी स्मोक। तो चलो, राहु कहाँ पे है? राहु केतु तो भी बताई दो अभी। राहु राहु 12th में। लो, ये अपने होम प्लेस पे हैं अभी। नहीं सर हाँ, इनको संतान की भी इशू है। नहीं, संतान एक है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बीमार तो नहीं रहता बच्चा? नहीं केतु 6th में है। शुक्र वक्री हो रहा है, जब वक्री हो रहा है उसको भी शनि के ट्राइन में आ रहा है। शनि 8 हाउस में है सर इनका। इनको हैं जी, शनि कौन से हाउस में है? 11th। शनि शनि 11th जो है इनके हैं 11th हाउस में। हाउस। इनको काम करना चाहिए, इनको ना मतलब काम करना चाहिए कोई मीठे से संबंधित, मतलब खाने वाने का। होटल वगैरह, होटल होटल चला होटल ये रेस्टोरेंट मिठाई का काम करना चाहिए, नहीं स्वीट स्वीट्स का। मंगल का उपाय हो जाएगा। स्वीट्स का काम करना चाहिए, स्वीट स्वीट्स का। शुक्र देख रहा है ना, देखो। अच्छा, इनके 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 कोई फायर, पहले मैं ये कंप्लीट कर दूं, फिर उसके बाद इस पे आएंगे।
ठीक है। अब यहां पर आप देखिए कि शुक्र जो शनि है वो नीच का हो जाता है, ठीक है। तो एक चीज होता है अपनी पसंद का स्पाउस मिलना, अगर शनि की पोजीशन ठीक नहीं है तो ये भी एक चांसेस होते हैं कि इनको स्पाउस ना अपने पसंद का ना मिले, ठीक है। मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती वाइफ से, वो मिसिंग रहती है, ठीक है। और जातक की वाइफ और उसके बच्चों के बीच में बहुत सामान्य से रिलेशन होते हैं, नॉर्मल, ठीक है। वाइफ जो है वो जातक को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करती रहती है, घर में भी घर के बाहर भी। कई आपने देखे ना ऐसे कपल्स, मतलब दे डोंट, मतलब आप देखेंगे कि वो वाइफ उनको हमेशा कोसती रहेगी। सर ये कैसे होता है जब सैटर्न डेबिटेटेड होता है? देखिए लाइकिंग है नहीं है ना, ये लिब्रा के लिए स्पेसिफिक है या जनरल अभी कोई? अभी मंगल का घर है और उसका सेकंड हाउस वॉयस वाली जगह पे भी है ना। तो वाइफ जो है वो बच्चों, अभी फिफ्थ का लॉर्ड जो आके वो वहां पे डेबिटेट हो गया, तो वाइफ के जो संबंध हैं बच्चों के साथ वो इतने प्रॉपर नहीं हो, मतलब होंगे, ठीक है। अब वाइफ जो उनका स्पाउस है उन्हें चाहिए, वो हो सकता है कि बच्चे वो पसंद ही ना करता हो या करती हो, उसे चाहिए कि दो तीन बच्चे हो, वो सोचता है कि एक ही बहुत है बस, ठीक है ना। उनका जो स्पाउस है चिल्ड्रन बच्चों की ज्यादा प्रॉपर केयर ना करता हो। अब लव अफेयर हुआ, हो सकता है कि मतलब लड़की जो है उसके फादर फादर या ब्रदर जो हैं वो शादी के हक में ना हो, इस वजह से शादी ना हो। सूर्य लग्न में जाके लग नीच का हो रहा है ना। अब दोनों की सही है लेकिन फादर नहीं मान रहा, फादर लड़के के अगेंस्ट है कि नहीं इससे शादी नहीं करनी, ठीक है। उनमें ये विवाद रहे बच्चों को लेकर कि उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़े बच्चों की, ठीक है। मतलब उसको बच्चे चाहिए, लिब्रा वाले को बच्चे चाहिए, जो उसको ऑपोजिट है अगर सैटर्न की पोजीशन ठीक नहीं है, वो नीच का हो जाता है, वो बोलता है कि हम ठीक है यार बच्चे चाहिए नहीं। कि ऐसे भी आजकल मतलब कपल्स हैं दे हु डोंट वांट चिल्ड्रन, ठीक है ना। तो दिस इज सेवंथ हाउस इन इन लिब्रा असेंडेंट, ठीक है। अभी मैं एक इसको चीज बोली।